All right, guys. Now the reveal has happened, so I'm gonna share some details about the car with you. Bold stance है इसका, front view भी देखो काफी bold सी है. यहाँ पर signature Honda का logo मिल जाता है. ऊपर chrome का इस्तेमाल किया गया है. Projector LED headlamps मिलते हैं यहाँ पर आपको. इधर आप देखोगे fog lamps है. ये जो ऊपर देख रहे हो ये daytime running light है जो कि LED है और ये turn indicator का काम भी करते हैं. Going down यहाँ पर आपको skid plate मिल जाती है नीचे. ये देखो different color की यहाँ पर आपको skid plate मिलती है. Honda sensing ADAS में जो कि कैमरा बेस्ड है और यहाँ पर आपके पास कैमरा दिया गया है ऊपर. यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं आपको. यहाँ पर फ्रंट के टायर पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे के टायर पे ड्रम ब्रेक एंड 16 इंच के स्पेयर व्हील मिलते हैं. यहाँ पर आपको LV8 की बैजिंग मिल जाती है विच इज सराउंडेड विद द क्रोम. ORV भी आपको क्रोम का टच मिल जाता है. कैमरा है यहाँ पर. लुक एट द साइड प्रोफाइल, वेरी स्टाइलिश एंड क्रोम का जो ये टच दिया गया है दिस इज एक्चुअली यू नो मेकिंग इट स्टैंड आउट. ADAS जो है वो सामने से काम करते हैं और पीछे रियर कैमरा आपको मिल जाता है. यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं. सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको. यहाँ पर 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है. यहाँ पर सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर इधर भी आपको देखो क्रोम का टच और ये ब्लैक पैटर्न दिया गया है पियानो फिनिश में. वी विल शो यू द कार्स इंटीरियर ऑल्सो. 40 लीटर फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको यहाँ पर और ऊपर आपको रूफ रेल भी मिल जाते हैं. दैट्स द रियर प्रोफाइल लुकिंग सो ब्यूटीफुल. 10 कलर ऑप्शंस जाती है आपको यहाँ पर. ये गाड़ी 7 मोनोटोन एंड 3 डुअल टोन. वॉशर वाइपर डिफॉगर सब आता है यहाँ पर. LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर. यहाँ पर भी देखोगे क्रोम का टच दिया गया है ऑल ओवर. कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं होंडा का लोगो नंबर प्लेट की जगह. 1.5 लीटर आईवीटेक इंजन मिलता है यहाँ पर आपको जो देता है 121 PS की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क. एलिवेट की बैजिंग नीचे आप देखोगे तो ब्लैक कलर में बंपर है. रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं. नीचे भी स्किड प्लेट सिल्वर में दी गई है फ्रंट के जैसे. अब बूट स्पेस दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ पर 458 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पर. जो रियर की सीट है वो 60-40 के स्प्लिट के साथ मिलती है. इधर लैंप भी मिल जाता है और दो हुक मिल जाते हैं एक इस तरफ और सिमिलरली एक इस तरफ भी है. जैसे मैंने आपको बताया 16 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है. मैं दिखा देती हूँ आपको. ये एक्सेसरी का पार्ट है. ये देखो यहाँ पर आपको इतनी जगह मिल जाती है नीचे टूल्स वगैरह रखने के लिए. इस तरीके से आपके पास ये आएगा. ठीक है, अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिलता है आपको यहाँ पर. जितना भी सामान आपको रखना है रखो एंड ट्रैवल करो ओवर योर वीकेंड. चलो अभी इंटीरियर चेक कर लेते हैं गाड़ी का. सबसे पहले जैसे डोर ओपन करोगे आप यहाँ पर देखोगे स्टफ प्लेट पे एलिवेट की बैजिंग दी गई है जाकि जो कि काफी प्रीमियम सा फील दे रही है आपको. लेदर का टच यहाँ पर दिया गया है. लेदर का छोटा सा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पर. 1 लीटर की बॉटल के लिए स्पेस मिल जाता है यहाँ पर. और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस है. मतलब 4 उसमें स्पीकर है और 4 ट्विटर है. ये देखो इधर स्पीकर है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्विटर दिया गया है. इफ आई टॉक अबाउट द कम्फर्ट, एब्सोल्युटली ऑसम. और फील जो है ना इंटीरियर की दैट इज ऑल्सो रियली रियली नाइस आई वुड से. पीछे आपके पास डोर के यहाँ पर पॉकेट मिल जाती है. तो सेंटर में थोड़ा सा हम्प है यहाँ पर. कप होल्डर मिल जाता है. ये देखो 2 कप होल्डर दिया गया है यहाँ पर आपको, जिसकी वजह से जो सेंटर में कंफर्ट मिलने वाला है आपको वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना आपको इस वाली सीट पे और इस वाली सीट पे मिलेगा. ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए. नीचे 12 वाट का पावर सॉकेट मिल जाता है. टाइप सी SH यहाँ पर नहीं है. ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और यहाँ पर लाइट दी गई है. सारी लाइट यहाँ पर आपको व्हाइट मिलती है. एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको सारी ही सीट पर. सेंटर वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है. बाकी इसको फोल्ड कर सकते हैं आप बहुत ही इजीली. आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे और ये फोल्ड हो जाएगा. आइसोफिक्स मिल जाते हैं आपको फॉर चाइल्ड सेफ्टी. इस तरह आपको यहाँ पर एक हुक भी मिल जाता है. यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग, यू वांट टू कैरी योर यू नो ब्लेजर और कोट समथिंग, यू कैन हैंग इट हियर. नाइस. अच्छा यहाँ पर ना ये देखो चाबी से भी खोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको. रिक्वेस्ट सेंसर तो दिए ही गए हैं. अब इसको डोर को ओपन करूंगी तो यहाँ पर भी आपको एलिवेट की स्टफ प्लेट मिल जाती है. इट्स लिट. दैट्स द फ्रंट डोर सेम लाइक रियर. यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बॉटल के लिए स्पेस मिल जाता है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है आपको सामान रखने के लिए. 1 टच डाउन आपको सिर्फ ड्राइवर विंडो मिलती है. बाकी सारी आपको ऑफकोर्स होल्ड करके रखनी पड़ेगी. चाइल्ड लॉक, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ORV को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं. स्पीकर और यहाँ पर एक ट्विटर मिल जाता है. मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको यहाँ पर. हैव अ लुक एट द डैशबोर्ड गाइस. ये वाला हार्ड प्लास्टिक है. यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है और स्टिच देख रहे हैं आप. यहाँ पर आपको वुडन टच दिया गया है. वुड नहीं है ऑफकोर्स, बट फिनिश ये वाली वुडन की है. लेदर एट अपॉल्सी मिलती है आपको यहाँ पर. ये AC के अराउंड भी आप यहाँ पर देखें, मतलब काफी प्रीमियम वाली वाइब आ रही है. ऐसे सब कुछ यहाँ पर ऐसे रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है. 10.25 inches टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है आपको विच कम्स विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एपल कारप्ले. इसके नीचे आपके पास AC की वेंट्स मिल जाते हैं. AC को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस. ऑटो AC मिल जाता है आपको यहाँ पर. इसके नीचे आप देखो वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है. 12 वॉट का पावर सॉकेट इधर मिल जाता है और टाइप सी एंड USB केबल के लिए यहाँ पर आपको केबल्स मिल जाती हैं. 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर. 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है एंड 7 स्पीड ऑटोमेटिक यानी कि CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है. थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर रखने के लिए. हैंड ब्रेक और यहाँ पर भी आपके पास सॉफ्ट टच. जहाँ जहाँ पर भी ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं ना वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेंगे. और इसके नीचे आपके पास ये स्टोरेज मिल जाती है विच इज़ प्रीटी गुड अगर आपको कुछ भी सामान आपको स्टोर करके रखना है. सनवाइजर में आपको दोनों ही तरफ
मिरर मिल जाता है, इधर लाइट मिल जाती है, इस तरफ लाइट नहीं दी गई है आपको, ये येलो लाइट है और यहाँ पर जो लाइट्स देख रहे हो आप ये व्हाइट लाइट्स मिलती हैं आपको। सनरूफ मिल जाता है और सनरूफ को ओपन करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑटो डिम आयर विम भी मिल जाता है आपको यहाँ पर। सो बेसिकली व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम होंडा वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। आई कैन टेल यू काफी रॉबस्ट एंड प्रीमियम वाइब आपको आने वाली है इस इंटीरियर से। आई रियली लाइक इट। नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। फोन रखने के लिए आपको यहाँ पर दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। सी हैव अ लुक एट दिस। क्वालिटी तो बहुत ही सही लग रही है मुझे यहाँ पर। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको यहाँ पर। ग्रिप इज सो नाइस। ये टेक्सचर मुझे इतना अच्छा लगा ना, सटन बोलते हैं इसको। अराउंड द एसी और डोर के अराउंड भी आपको ये टच देखने के लिए मिल जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर कमिंग बैक टू स्टीयरिंग व्हील, तरफ आपके पास वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। फोन को अटेंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं यहाँ से गाड़ी को। और इस तरफ आपके पास क्रूज कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। अडैप्स के फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि होंडा सेंसिंग फीचर्स के साथ आती है, विच इज नथिंग बट अडैप्स। इस तरफ स्लाइड को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, वाइपर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। 7 इंच का आपको एमआईडी मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज अ क्विक वॉक अराउंड। नाउ लेट मी आल्सो रिवील कि प्राइसेस आ चुके हैं होंडा एलिवेट के। वी हैव मिस्टर प्रवीण सिंगल, ही इज द सीईओ ऑफ फ्रंटियर होंडा एंड ही इज गोना रिवील द प्राइसेस। सर ओवर टू यू। सो द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम For SV variant from 10.99 and for the ZX CVT variant it goes to 15.99. ये डिटेल प्राइसेस भी हम आपको दे देंगे, प्राइस लिस्ट हम पेस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। दैट्स द की गाइस फॉर होंडा एलिवेट। दिस इज 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन जो हम चला रहे हैं। कम विद मी, आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस, कैसी फील होती है चलाने में होंडा एलिवेट। कम। सो यू गेट स्टार्ट स्टॉप का बटन इवन इन मैनुअल। स्टीयरिंग फील्स लाइट। अभी हम निकाल रहे हैं इसको शोरूम से बाहर और काफ़ी सारे यहाँ पर ऑफकोर्स मोड़ हैं और मोड़ पे मैं बता सकती हूँ आपको कि स्टेयरिंग काफ़ी लाइट फील होता है। विजिबिलिटी वाइज अच्छी खासी दोनों बोनेट के एजेस मुझे यहाँ से अच्छे खासे विजिबल हैं। बाकी तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट मैनुअली, यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी हाइट और कम्फर्ट के हिसाब से। देखो फिर से मोड़ रही हूँ मैं एंड स्टेयरिंग का फीडबैक इज रियली क्रिस्प। एंड बाकी स्टेयरिंग व्हील पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं। होंडा सेंसिंग आता है इसमें विच इज़ अडैस और उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर फंक्शनैलिटीज़ मिल जाते हैं अडैस के, जैसे कि आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है आपको यहाँ पर। बाकी तो होंडा एक रिलायबल कार ब्रांड है ही। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको, ABS विद EBD, ESP जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी मैं सेफ्टी फीचर्स आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इट्स लाइक इट फील्स नाइस और आपको ऐसे इंजॉय करने वाली वाइब आएगी यहाँ पर ड्राइव करने में। बहुत ही स्मूथ ड्राइव है, शोर भी नहीं है गाड़ी के अंदर। आपको बेस्ट इन क्लास इंजन यहाँ पर मिलता है। लोअर स्पीड में चला रही हूँ, ऑफकोर्स मैं हाई रेंज में चलाऊंगी तो इंजन की आवाज़ आती है। जैसे फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट करती हूँ। इंजन रिस्पॉन्स इज सो गुड, आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर इंजन मिल जाता है होंडा का। आई एम बीइंग लिटिल कॉशियस बिकॉज मैं यूजुअली ऑटोमेटिक चलाती हूँ और अभी मैं चला रही हूँ मैनुअल। बट उस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको शेयर करूँ, मैंने कितने टाइम से मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई है और बहुत ही ईजी टू ड्राइव ये कार आपको मिल जाती है यहाँ पे। जैसे आप इंडिकेटर दोगे ना तो इंडिकेटर देते ही आपको फ्रंट स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है कि साइड में आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि कभी ORVM पे उतना इनफ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, विजिबिलिटी नहीं आ रही, तो यहाँ से आपके पास एक एडिशनल विजिबिलिटी मिल जाती है विच इज़ पार्ट ऑफ देयर होंडा सेंसिंग। लेफ्ट इंडिकेटर दिया है तो ये देखो बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको पूरा दिखा रहा है कि क्या विजिबिलिटी है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। मतलब मैनुअल है ये और मैं जब गियर चेंज कर रही हूँ वो भी मुझे फील नहीं हो रहे हैं गाड़ी के अंदर। इट्स ऑसम। बाकी अभी हमें लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं मिली है गाड़ी, हम सिटी और शोरूम के आसपास ही चला रहे हैं। इसको लॉन्ग ड्राइव के लिए भी लेकर जाएंगे विद द परमिशन ऑफ फ्रंटियर होंडा। एंड ऑन दिस नॉट आई वुड लाइक टू थैंक फ्रंटियर होंडा फॉर लेटिंग मी ड्राइव दिस कार एंड एक्सपीरियंस दिस कार एंड शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू गाइज। तो उनकी परमिशन से लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे एंड विल ब्रिंग मोर वीडियोज। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। राइड एंड हैंडलिंग इज ऑल्सो सो स्मूथ, जैसे मैंने आपको बताया स्टेयरिंग ऐसे बटरी स्मूथ फील हो रहा है, बहुत ही आसान। गियर शिफ्ट आर सो स्मूथ। मैनुअल का हमें ये टेंशन रहता है ना कि भाई इतने ट्रैफिक में हम कैसे हैंडल करेंगे, क्लच टाइट होगा, क्लच इज सो सॉफ्ट एंड सो स्मूथ हियर। ये थोड़ा सा एक्सेलरेट करती हूँ गाड़ी को, 55, 57, 63। Response is good here. इंजन की आवाज़ हाई रेंज में आने लग जाएगी कैबिन के अंदर, वो आपको अच्छी लगने वाली है। बिल्कुल एंथुसियास्ट वाली आवाज़ है यहाँ पर। एंड थोड़ा सा ब्रेक लगाया है मैंने, ब्रेक्स आर ऑल्सो ऑसम। मुझे सच कोई लैग फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बूम से एक्सेलरेशन नहीं दिया, बहुत ही स्मूथली मैंने एक्सेलरेशन दिया है। ऑफकोर्स मैं सिटी में चला रही हूँ, फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, यू नो यू वॉन्ट ड्राइव अ सेफ कार, यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन द सिटी, यू वॉन्ट गो टू योर ऑफिस, पिकअप योर किड्स,
you know, go on holiday with your kids on a highway. Awesome गाड़ी. आपको ये ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए. टेस्ट ड्राइव करने के बाद अगर आप चाहो तो फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि आपको कैसी लगी. लेट्स सी हमारा कितना रिजेंबल करता है फीडबैक. आई लाइक द कार ओवरऑल. बाकी MIT पे आपको ड्राइवर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सनरूफ मिल जाता है आपको यहाँ पर. जी हाँ. तो यू कैन हैव लॉट ऑफ फन इन दिस कार, वेदर इट्स अबाउट ड्राइविंग और इट्स अबाउट जस्ट इंजॉइंग द वाइब ऑफ द कार. इट्स जस्ट ऑसम. मुझे ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा जिसमें कि आपको साइड विजिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि स्पेशली इस रोड पर जहाँ पर हम मोड़ते हैं, ये बहुत सारे रोड्स हैं यहाँ पर. लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम वन मेन रोड टू सर्विस लेन, आपको पता नहीं चलता पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, और यहाँ पर आपको वो विजिबिलिटी मिल रही है बिल्कुल क्लियरली, जो कि मुझे मेरी गाड़ी में नहीं मिलती एक्चुअली. दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ड्राइविंग होंडा एलिवेट मैनुअल. दिस इज 6-speed ट्रांसमिशन. It is buttery smooth. You must try it. Subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.